शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम स्ट्रोथियो कैमेलस है। तो शुतुरमुर्ग सामान्यतः अफ्रीका व अरब देशों के मरुस्थलों में पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग का वजन 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है और इनकी ऊंचाई 2 मीटर से 3 मीटर तक हो सकती है। शुतुरमुर्ग के गर्दन व पैर काफ़ी लंबे होते हैं। इसके पैर में केवल 2 ही अंगुलियाँ होती हैं। केवल अंदर वाली अंगुली में नाखून होता है जो खुर के समान दिखाई देता है। बाहर वाली अंगुली में नाखून नहीं पाया जाता है। अपनी मजबूत टांगों के कारण ही यह सबसे तेज दौड़ने वाली चिड़िया है। इसकी सामान्यतः रफ्तार या गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। अपनी यह अधिकतम रफ्तार यह 30 मिनट तक लगातार बनाए रख सकता है। शुतुरमुर्ग की आंखें दूसरे जंतुओं की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं। इनका आकार 40 मिलीमीटर तक होता है। इसी कारण इनके देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। साथ ही इनके सुनने की क्षमता भी काफ़ी तेज होती है। इस कारण से यह शिकारियों को दूर से ही पहचान सकता है। अगर देखा जाए तो शुतुरमुर्ग सामान्यतः समूह बनाकर रहते हैं। इनके एक समूह में 4 से 40 तक सदस्य हो सकते हैं। कभी कभार ही शुतुरमुर्ग अकेले दिखाई देते हैं। शुतुरमुर्ग आमतौर पर शाकाहारी होते हैं। यह घास, बीज, छोटे पेड़ पौधे और फूलों को खाते हैं, लेकिन कभी कभी यह कीटों को भी खा लेते हैं। इनके दांत नहीं पाए जाते। यह अपने खाने को साबुत ही निगलते हैं और फिर खाना पचाने के लिए कंकड़ खाते हैं। इनके खाए हुए कंकड़ खाने को पीसने में मदद करते हैं। शुतुरमुर्ग कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। यह अपने द्वारा खाए गए पेड़ पौधों से ही अपने शरीर में पानी की पूर्ति करता है, लेकिन यह हर समय पानी की तलाश में रहता है और पानी मिलने पर यह उसका भरपूर आनंद उठाता है। दोस्तों, शुतुरमुर्ग 2 से 4 वर्ष की उम्र में परिपक्व हो जाते हैं और जनन करना प्रारंभ कर देते हैं। मादा नर से 6 माह पूर्व ही परिपक्व हो जाती है। तो मनुष्य की तरह शुतुरमुर्ग भी अपने जीवन काल में बार बार प्रजनन करते हैं। मादा शुतुरमुर्ग अपने अंडे नर द्वारा बनाए गए घोंसलों में देती है। इनके घोंसले लगभग 60 सेंटीमीटर गहरे तथा 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे पूरे जंतु जगत में सबसे बड़े होते हैं। ये अंडे चमकीले कलर के होते हैं। अगर इनके अंडों की तुलना मुर्गी से की जाए तो ये मुर्गी के अंडों से 20 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। शुतुरमुर्ग में अपने अंडों को पहचानने की जबरदस्त क्षमता होती है। अंडों को नर शुतुरमुर्ग रात में तथा मादा शुतुरमुर्ग दिन में सेती है। शुतुरमुर्ग शिकारियों से बचने के लिए अपने सिर तथा गर्दन को जमीन में सपाट करके लेट जाता है, जिससे यह रेत के ढेर के समान दिखाई देता है और परभक्षी इसे रेत का ढेर समझकर चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शुतुरमुर्ग अपना सिर जमीन में गाड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। शुतुरमुर्ग में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। शुतुरमुर्ग मल व पेशाब को अलग अलग त्यागते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।